अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आप लोग देख रहे हैं सिकंदर ऑफिशियल TM चैनल। तो गाइस प्लीज़ फॉलो एंड लाइक प्रेस बटन। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है डॉगी एलोन मार्ट, ठीक है। दरअसल ये एक मीम कॉइन है और इस मीम कॉइन के बहुत पहले एक हाइप बनी थी और उस हाइप प्रॉपर हाइप नहीं बनी थी और मैंने इसके अंदर लाइक एक उम्मीद की तरह इन्वेस्ट कर दिया कि आने वाले वक़्त में चलो कुछ नहीं तो रिटर्न तो कुछ थोड़ा बहुत भी दे देगा तो बहुत है, नहीं भी देगा तो उतनी वैल्यू पर तो ट्रेड हो रहा होगा तो देन जो है मैं अपना एक्सचेंज कर लूँगा अपने टोकन को। तो इसका जो प्राइस इस वक्त चल रहा है 22460252, ठीक है। इसकी ये आपके सामने स्क्रीन पर प्राइस चल रही है और मेरा टारगेट है इसको सेल करने का तकरीबन 50 पर जो है ना, जैसे ये बेशक 1 हो, 50 जैसे कंप्लीट हो गया उसके बाद 1 हो तो मैं इजीली, ये अभी 2539 है तो ये जैसे 10,000 के आसपास, आई थिंक सो, हाँ 10,000 के आसपास आएगा मैं देन इसको सेल कर दूँगा, मुझे अच्छा इसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो नहीं भी अच्छा तो चलो थोड़ा बहुत तो रिटर्नेबल होगा तो मैं देन इसको सेल आउट कर दूँगा, मैं 30% 3x के ले मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अंदर वेरी हाई रिस्क ये है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो कि हाँ भाई कोई मीम कॉइन हो और आने वाले वक़्त में हाइप हो तो इसकी भी सेम ऐसा ही है। जब एलोन मस्क की हाइप होगी तो इसका जो कॉइन है एलोन नाम से, मैं आपको बता दिखा भी देता हूँ, मैंने भी ख़रीदा हुआ है, इसकी थोड़ी फ़ीस भी कट होगी। मैंने $10 के ख़रीदे थे तो मुझे $8 के रिसीव हुए थे। ये आपको इजीली पैन केक पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बनान्स स्मार्ट चेन पर बाय किए थे, इसमें सुनाना का भी है, पॉलीगोन का भी है और क्रोनसो का भी है, ठीक है, एथेरियम पर भी है, मैंने लेकिन बनान्स पर किया था कि इजीली आप लोग जो है उसकी फ़ीस अफोर्ड भी कर सकते हो। अच्छा ट्रेडिंग फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आई नो मुझे पता है कि आई थिंक सो $2 फीस मुझे पड़ी है $10 ख़रीदने के, तो पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे जो लगता है कि इसकी फिर आने वाले वक्त में हाइप होगी और जब डॉगी कॉइन भरेगा तो ये भी एक साथ अच्छी हाइप में भरेगा इंशाल्लाह। इस कॉइन में भी इन्वेस्ट किया मैंने, आप लोगों को फाइव कॉइन का भी कहा था, जिन्होंने उस टाइम पर फाइव कॉइन में इन्वेस्ट किया था वो तो मेरे, मुझे पता है कि हाँ यार ट्रस्टेड हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक दो और कॉइन बताए थे लेकिन आज मैं अपने आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने किस कॉइन में इन्वेस्ट किया। सबसे पहले ये एलोन का जो कॉइन है मैंने आप लोगों को दिखाया था कि $8 के रिसीव हुए हैं, अभी थोड़ी मार्केट गिरी हुई ऐसे से $8 यहाँ शो नहीं हो रहा वरना ये $8 पे ख़रीदे थे। उसके बाद मैंने ये फाइव कॉइन दोबारा ख़रीदे और उस टाइम मैंने बेच दिया था जब मैंने नीचे से बाय किए थे, मुझे थोड़ी पैसों की नीड थी तो मैंने इसको देन सेल कर दिए थे। अब जो है मैंने अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर दिया, इसका मेरा टारगेट है कि $150-$180 पर जाए तो देन मैं तब सेल करूँ। अब मैं सिंपल अभी मेरी दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। अब मेरा APE का कॉइन का है, NFT के कॉइन है, इसका भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करता हूँ लेकिन अभी सिंपल एलोन के बारे में बता देता हूँ। एलोन के देखें मैंने ये तीन स्वैप किए थे, तीन तीन डॉलर के किए थे लेकिन $10 के टोटल मैंने किए थे जिसमें से $2 फीस कट के मेरे को $8 के रिसीव हुए थे। अब इसकी मैं बात करूँ कि कब लॉन्च हुआ था कॉइन, जब लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2021 चौथे महीने में, ठीक है, 25 तारीख को चौथे महीने के 2021 में ये लॉन्च हुआ था। और अब जो इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है जैसे बेयर मार्केट स्टार्ट होती थी आप सबको पता है, अब इंशाल्लाह जैसे बुलिश मार्केट स्टार्ट होगी इसका भी रिज़ल्ट हमारे को सामने दिखेगा। और इसकी 55% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में है और मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 100 मिलियन, इसको क्या प्रोनाउंस करेगा इसका सही नहीं आइडिया,
और इसका मार्केट कैप जो है वो 140 मिलियन जो है वो इसका मार्केट कैप है, ठीक है। और इसका फुली डिस्ट्रीब्यूट मार्केट कैप है 254 मिलियन। तो देखें, ये थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मीम कॉइन जो है वो सारे सेफ होते हैं, नहीं भाई, शिबा इनू भी सेफ नहीं है सवाए एक होप के। इसी तरह इसके अंदर भी मैंने होप ही डाली है कि भाई अल्लाह करे कि ये बढ़ जाए। जो मार्केट कैप है इसका कुछ नहीं कह सकते भाई, जब एलॉन की हाइप हो तो ये भी फुल टाइम बढ़ जाए। इसके मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, इनकी वेबसाइट भी अच्छी बनी हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो यूनिस ऐप भी है, ओके एक्स भी है, क्यूकॉइन भी है, और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं। और इसके अंदर इनका ट्विटर अकाउंट भी है। इनका मेन ये NFT प्रोजेक्ट लाइक इस तरह के करते हैं, और इसके मेन कोई ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है। आप यहाँ बेशक इनके इंफॉर्मेशन में जा के चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी कोई हाइप होगी तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हम इसके अंदर बेचेंगे। जब बेचोगे मैं आप लोगों को तभी साथ में बात भी कर लेंगे, हम वीडियो भी मैं छोटे से बना दूंगा। और यार माज़ा यार, मैं थोड़ा यूट्यूब पर फोकस नहीं दे पाता आजकल, मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम है तो उस पर मैं फोकस देता हूँ। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ 1 वीक में 2 वीडियोस तो इस तरह अपलोड हो, या 1 वीडियो तो लाजमी अपलोड हो। तो कहने का क्या मतलब था कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, मुझे देख के ना करिएगा, मेरा भी आइडिया फेल हो सकता है। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ना इन्वेस्टर हूँ। मेरा जो आइडिया कहता है कि 140 जो है इसका मार्केट कैप है, और ड्यूरेटेड 250 है, तो दिस इज़ नॉट 1 मिलियन के आई थिंक सो ये डाउन पड़ा है। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी बेयर मार्केट स्टार्ट है, इसके बाद ही स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने लॉन्च किया था। तो आने वाले वक्त में जब बुलिश मार्केट स्टार्ट होगी, इस कॉइन की भी अच्छी हाइप होगी, और इसका जो है वो आने वाले वक्त में अच्छा जो है वो रेंज जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं जाती है या नहीं। अलबत्ता अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मिनिमम $10 के बाय करिएगा, क्योंकि मैंने भी $10 के बाय किए हैं। तो दुआ में लाजमी रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आने वाले वक्त में हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। और ये दोस्तों को लाजमी शेयर कर लिए, अपना मुनाफे के साथ दोस्तों का भी मुनाफा करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।